गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल सृष्टि आयुष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गाइज आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि पर्दे के पीछे का राज, मतलब मैं कैसे सूट करती हूँ, कैसे मैं सूट करने के बाद पूरी देर रात तक मैं सूट करती रहती हूँ और किस तरीके से उसके बाद मैं सब कुछ निकालती हूँ और किस तरीके से समेटती हूँ, कितना ज़्यादा हमारा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। बस आपको लगती है कि वो 4 मिनट 7 मिनट 8 मिनट की वीडियो है, पर उसके पीछे की मेहनत आपको दिखेगी अभी इस वीडियो में कि मैं कितनी ज़्यादा बिजी रहती हूँ। शूटिंग हो चुकी है, रात के 2:35 हो रहे हैं और हमको ये सब उतारना है क्योंकि काफी देर से हम इसको सबको पहने, तो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है और अब मैं बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, 1 मिनट भी नहीं। काफ़ी रात हो चुकी थी फ्रेंड्स, दो से ज़्यादा ही बज रहे थे और मैं यहाँ पे फटाफट ज्वेलरी निकाली थी और देख लीजिए कि मैं ठीक से बाल भी नहीं खोली और मैं फटाफट ज्वेलरी निकालने के लिए मैंने यहाँ पे, तो मतलब मैं धागे पे ज्वेलरी बांधती हूँ तो इसलिए मैं फटाफट धागा तोड़ के ही ज्वेलरी फटाफट निकाल रही थी। और तैयार होने में जितना क्रेज़ होता है ना, उतारने में उससे ज़्यादा क्रेज़ होता है, क्योंकि जब इतना देर आप सूट मतलब तैयार होकर के सूट करो और उसके बाद लगता है कि फटाफट सब निकले, और क्योंकि खाना भी नहीं खाई थी, काफ़ी रात हो चुकी थी, 2:30 बज चुका था, मेरे बच्चे सो चुके थे बहरहाल, और मगर मेरे हस्बैंड और हम दोनों लोग जग रहे थे, वो भी खाना नहीं खाते, हम भी नहीं खाते, क्योंकि ये भी मेरे खाए बिना खाना नहीं खाते हैं, जब तक मैं नहीं खाती तब तक ये भी नहीं खाते हैं, हम दोनों साथ में ही खाना खाते हैं। और मैं एक नोच नोच के अपने सारी एसेसरीज बाल की निकाल रही थी और मुझे बहुत रिलीफ हो रहा था जब मैंने सब कुछ निकाल दिया था। और मैं निकालने के बाद सबसे पहले एक पोनी बना लेती हूँ, क्योंकि जब मैं पोनी बना लेती हूँ तो मुझे बहुत आराम मिलता है। वैसे मैं गाइस में बहुत ज़्यादा रैप करके बाल नहीं रख पाती हूँ, मेरे बाल ज़्यादातर खुले ही रहते हैं, और आईलेसेस निकालने के बाद तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, ये बात तो सत्य है, चाहे कितना भी हल्का चाहे जितनी अच्छी क्वालिटी के आईलेसेस ले लो, पर आईलेसेस लगाने के बाद आंखें थोड़ी भारी भारी सी तो लगती ही है। और फिर उसके बाद मेकअप रिमूव भी करना था तो मैंने मेकअप रिमूवर से अपना मेकअप रिमूव किया, और देखिएगा कि कितने प्रोडक्ट बाहर होते हैं, कभी भी मेकअप लगा के सोना नहीं चाहिए, मुझे नहीं अच्छा लगता है। और एक चीज़ जान लीजिए, अगर मेकअप लगा के आप सो रहे हैं तो आपकी स्किन 100% डैमेज होगी, बहुत ज़्यादा रिंकल्स पड़ने के डर होते हैं आपके फेस पे, तो इस वजह से आप 100% आप मेकअप को रिमूव करके ही सोइए, नहीं भी मुँह नहीं धुल रहे तो मेकअप रिमूवर लीजिए या कोई मॉइस्चराइजर क्रीम लीजिए, बस कॉटन की सहायता से अपने अच्छी तरीके से अपने फेस को पोछ दीजिए। अगर आपको बहुत आलस लग रहा है कि मुंह धुलने में कि मैं नहीं धुलने जाऊंगी ये वो, वहीं पे अगल बगल कोई मॉइस्चराइजर क्रीम लेके और कॉटन से लेके पोछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से पहले पूरे फेस को पोछ दी हूँ, क्लीन कर दी हूँ, उसके बाद मैंने मेकअप रिमूवर से ही अपनी लिपस्टिक छुड़ा रही हूँ। यहाँ पे लिपस्टिक आजकल तो मैट की होती है, तो मैट लिपस्टिक जल्दी छूटती नहीं है, तो मुझे दोबारा से मेकअप रिमूवर लेना पड़ा और अच्छा खासा मैं बंदर बन गई थी मेकअप छुड़ाने के बाद, क्योंकि लिपस्टिक छुड़ाओ, ये वाली लिपस्टिक बहुत वाटरप्रूफ होती है, तो छुड़ाओ तो आधा पिंक पिंक हो जाता है, तो बंदर की तरह मुंह दिखने लगता है। और छुड़ाने के बाद जब मैं हल्की हुई तो फिर मैंने कपड़ा ना चेंज करके सबसे पहले मैंने सारा सामान को समेट के मैं रखने लगी, और मैं सारे सामान को ये ब्लैक वाले कवर्ड में ही रखती हूँ, क्योंकि ये मेरे रूम का फ्रंट रूम का ही ये कवर्ड है, छोटा सा कवर्ड है जिसमें मैं मेकअप प्रोडक्ट रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं अपने पार्लर में बहुत कम मेकअप करती हूँ, जब मैं मेकअप करना होता है तो मैं इसी हॉल में ही लाकर कस्टमर को मेकअप करती हूँ, क्योंकि ये हॉल काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लोग आते हैं, तो मुझे यहाँ मेकअप करने में काफ़ी कम्फर्ट रहता है, तो मैं यहीं पे आके लाके मेकअप करती हूँ, तो मैं इसी वजह से अपने सारे ब्यूटी प्रोडक्ट मैं इसी कवर्ड में रखती हूँ, सारे ब्यूटी प्रोडक्ट या कोई मशीन होती हूँ तो सब कुछ मैं इसी कवर्ड में रखती हूँ। तो देखिए कितना ज़्यादा फैल जाता है, ये रात के 2:30-3 बजे की बात है, मैं किस तरीके से देखिए सब कुछ समेट के रख रही हूँ, और बहुत मेहनत हो जाती है फ्रेंड्स। आप लोगों को लगता है बस पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं मेहनत नहीं करती हूँ, पर सच में बताऊँ बहुत मेहनत हो जाती है, हर चीज़ व्यवस्थित रखना, हर चीज़ यूज़ करना जितना आसान लगता है ना, जब आप शुरुआत करो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, पर जब आपको उसको समेटना पड़ता है ना तो वो बहुत ज़्यादा टफ होता है, सच में बता रही हूँ। जैसे आप किसी शादी में तैयार होकर जब जाते हो तो आपको बड़ा क्रेज़ होता है शादी, पर जब शादी से लौटते हो, जब सिस्टमेटिक हर चीज़ रखते हो तो कितना दिक्कत होता है। तो उसी तरीके से जब एक तरफ वीडियो पोस्ट हो जाती है, सारी वीडियो बन जाती है, उसके बाद सब समेट के रखना बहुत मुश्किल काम होता है। तो यहाँ देखिए मैंने फाइनली सब कुछ समेट दिया, हो गया सब कुछ मैंने समेट लिया है। इस समय रात के 2:45 बज रहे हैं और अभी हमने और मेरे हस्बैंड ने खाना नहीं खाया है, हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, तो मतलब सोते सोते हम लोग को 3:15-3:30 बज ही जाएगा। और बस आप लोग को डिस्टर्ब कर रही हूँ, बस अगर आप आई हो, आप मेरी मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर किया करें, थैंक यू सो मच।